प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हिस्ट्री सीटर दिलीप मिश्रा के बेटी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद दिलीप के बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मामला औद्योगिक थाना इलाके का है। दिलीप मिश्रा के बेटे को गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। गैंगस्टर दिलीप मिश्रा के बेटे शुभम मिश्रा की तरफ से जमानत पर रिहा किए जाने की अर्जी दाखिल की गई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत पर रिहा किए जाने का आधार न पाते हुए अर्जी खारिज कर दी है। सरकारी वकील ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि ये कोई आपराधिक मामलों में संलिप्त नहीं है। तत्कालीन थाना प्रभारी ने 16 फरवरी 2020 को दिलीप मिश्रा के बेटे शुभम के खिलाफ प्रयागराज के औद्योगिक थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। दिलीप के बेटे शुभम को दिलीप मिश्रा गैंग का सक्रिय सदस्य बताते हुए ये केस दर्ज कराया गया था। शुभम की गिरफ्तारी पूर्वांचल के अपराधी और 1,00,000 के इनामी नीरज सिंह के शरण देने के आरोप में हुई थी। इस मामले में हिस्ट्री सीटर दिलीप मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया था। हिस्ट्री सीटर दिलीप मिश्रा वर्तमान समय में फतेहगढ़ केंद्रीय जेल में बंद है। आपको बता दें कि दिलीप मिश्रा मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर साल 2010 में हुए रिमोट बम में जानलेवा हमले में भी आरोपी हैं। दिलीप मिश्रा के ऊपर प्रयागराज समेत यूपी के बाहर 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।